तो आकाश प्रोडक्शन फोरेगी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैसी 7250 के बारे में बात करेंगे। ये मैसी का 7250 मॉडल 50 हॉर्सपावर में ट्रैक्टर आता है। इसमें 7516 के फ्रंट आती है। फ्रंट का एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स फ्रंट एक्सल दिया है। पावर स्टीयरिंग दिया है इसमें, और ये फोटोएक्सीलेटर दिया है। ऑयल मस्ट ब्रेक है इसके, कॉन्स्टेंट में साइड शिफ्ट गियरबॉक्स उसमें दिया है। इसमें 8 पॉडर 2 रिवर्स गियर के साथ ये ट्रैक्टर आता है। इसमें 1428 की पिछली टायर दिए हैं कंपनी ने इसमें, और ये इंडिकेटर दिए हैं पीछे। और ये ट्रैक्टर अभी किसी किसान ने खरीदा है, और ये अभी न्यू खरीदा है। और ये साइड में एक मिरर दिया है, और राइट हैंड पर साइलेंसर दिया है, काफ़ी ऊंचा साइलेंसर दिया है। मैसी के ट्रैक्टर ज़्यादातर ऊंचे आ रहे हैं। इसमें थोड़ा बम्पर नहीं है, कंपनी बम्पर आता है लेकिन कोई प्रॉब्लम होगी, इस वजह से बम्पर उन्होंने निकलवा दिया है, दूसरा लगवाएंगे। और ये काफ़ी शो आगे की अच्छा दिया है, लुकिंग काफ़ी कूल दे रहे हैं मैसी वाले। और ये ऑल वाट टाइप का एयर क्लीनर है। इसमें मैसी आता ट्रैक्टर ऑल वाट टाइप के एयर क्लीनर के साथ ही आते हैं इसमें। और ये सैमसंग SJ327 T3 इंजन इसमें दिया, SJ327 F30 डीजल इंजन इसमें दिया था। 3 सिलेंडर इनलाइन पंप 27 cc का इसमें इंजन, वाटर कूल्ड इंजन दिया है इसमें कंपनी ने। और ये रिकमेंडेशन स्टीयरिंग ऑयल दिया है इसमें। इससे क्या है, ये कंपनी ये ट्रैक्टर का इंजन ऑयल नहीं करता, इसके ये पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर का ऑयल नहीं यूज़ करता है। इसमें अलग से ऑयल दिया है, ऑयल टैंक दिया है इसमें। 50 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। और ये वाटर सेपरेटर है, और ये डीजल फिल्टर्स हैं। और काफ़ी चौड़ा प्लेट फार्म दिया है ऊपर चढ़ने के लिए। इसमें नीचे पटने को पेस्टर दिए, ऊपर काफ़ी चौड़ा प्लेटफार्म दिया है इसमें। सिंगल और डुअल दोनों चीज ऑप्शन के साथ आ गया, तो इसमें डुअल प्लेट आते हैं। और ये पार्किंग ब्रेक दिए हैं साइड में, और ये PTO लीवर है, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है। स्टीयरिंग को पहले से इन्होंने चेंज किया है, पहले से स्टीयरिंग में सिंपल स्टीयरिंग आता था, लेकिन अब थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया समय के साथ। ये इंडिकेटर स्विच ऑन से, और ये साइड में हॉर्न है। ये इंजन बंद है, इंजन यार पावर इंजन बंद करने के लिए। और ये नीचे एक चार्जिंग पोर्ट दिया है 12 वाट का। साइड से ट्रांसमिशन इसका काफ़ी अच्छा ट्रांसमिशन है, मैसी 7250 का। ये देखिए काफ़ी अच्छा ट्रांसमिशन है इसका। और ये 300 kg की लिफ्ट कैपेसिटी की ये पोजिशन, और ये ड्राफ्ट कंट्रोल करने के लिए लीवर दिए हैं साइड में। पीछे बैकलाइट है, मैंने आपको बताया था मैसी 7250 के और तो सब आता है, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है, इसके जो मडगार्ड हैं ये काफ़ी छोटे मडगार्ड हैं। मैसी के 245 PD में उसमें भी बड़े मडगार्ड आते हैं, 94 में बड़े मडगार्ड आते हैं, 241 में और 7250 में इन्होंने मडगार्ड अभी चेंज नहीं किया। इनको थोड़ा बड़ा करें, तब थोड़ा सही है। एडजस्टेबल सीट है इसमें, आगे पीछे अपने हिसाब से आप इस सीट को कर सकते हैं, एडजस्टेबल है सीट। और ये मैं 94 में जो कर दिए जो लो और हाई गियर है, इसको थोड़ा कंपनी ने इसको इधर से उठा के इधर कर दिया तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन यहाँ भी ठीक है। लेकिन इधर से इधर आ जाए तो ये ठीक है। इससे क्या है कि थोड़ा इसके लिए थोड़ा झुकना पड़ता है। हमारे पास है एक पड़ोस में, हमारे भाई के पास है, उसको मैं यूज़ करता हूँ, तो लेकिन इसमें थोड़ा झुकना पड़ता है। इसको इधर कर दिया जाए तो ये बहुत बेहतर रहेगा किसानों के लिए। कंपनी ने ये ट्रैक्टर जा रहा है, इसी वजह से कम ये एजेंसी वालों ने इसको फिट कर दिया। अब मैसी ने एक चीज़ मैसी ने सबसे बढ़िया काम किया है, मैसी DCB यानी कि डायरेक्शन कंट्रोल, यानी कि दोनों। इससे क्या है कि आप इसे रूट से कंप्यूटर में आ जाए, यानी कि लेजर लेबलर वगैरह इससे आप चला सकते हैं, यानी कि MB प्लाव वगैरह चला सकते हैं। पहले इसमें एक ही आता था, लेकिन अब कंपनी ने दो कर दिए। ये बहुत अच्छा काम किया मैसी 7250 में। और ये पीछे टूल बॉक्स दिया है, और ये रिफ्लेक्टर है जो पीछे से जो चौंध आता है उसको रोकता है। 2300 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है मैसी की। ज़्यादातर ट्रैक्टरों में लिफ्ट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा आती है, इस वजह से 2300 kg की लिफ्ट कैपेसिटी, ज़्यादा ट्रैक्टरों में 2300 kg की लिफ्ट कैपेसिटी आती है। 540 के PTO RPM है। और पीछे बैकलाइट दिए, साइड में इंडिकेटर भी दिए हैं पीछे। मैं आपको दिखाता हूँ चाहता हूँ, वैसे ही मैं इसकी 2-3 बार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अब कंपनी थोड़ा बहुत चेंजेस करती आ रही है पहले से, और काफ़ी चेंजेस भी कंपनी ने। आशा है कि वीडियो देखकर आपको पर्याप्त जानकारी मिली होगी, और आप में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगला रिव्यू किस ट्रैक्टर का, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या थोड़ी बहुत गलती होगी तो माफ़ कर देना। ऐसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए सही जानकारी और जो है मेरे सामने में दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये जो ट्रैक्टर आप लेना चाहते हैं तो देख लीजिए, बढ़िया ट्रैक्टर है इसका, एवरेज भी बहुत बढ़िया। मैं चला रहा हूँ, मेरे भाई के पास है पड़ोस में ही, वो बताता है काफ़ी बढ़िया एवरेज है इसमें 50 हॉर्सपावर में। ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है एवरेज के हिसाब से, बहुत बढ़िया जुताई करता है, बहुत बढ़िया ट्रॉली में सब चीज़ में बहुत बढ़िया है ट्रैक्टर। वीडियो देखने के आप सभी का दिल से धन्यवाद।